हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ज्योग्राफी का अगला तीसरा लेसन है जनसंख्या से रिलेटेड। और हालांकि जनसंख्या के अपने सिलेबस में तीन लेसन है, इंडिया से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है, वर्ल्ड से रिलेटेड है, और सबका अपना अलग अलग महत्व है। इसमें कुछ चीजें कॉमन है, जैसे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या से होने वाली समस्याएं, इस तरह की बातें। लेकिन कुछ जो वर्ल्ड इंडिया एंड राजस्थान से रिलेटेड जो उसके डाटाज हैं या उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो कुछ से अलग अलग है। तो इस लेसन में जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, हमें पढ़ना क्या है इस लेसन में, तीन चीजें पढ़नी है। नंबर एक वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, घनत्व डेंसिटी एंड ग्रोथ, तीन चीजें पढ़ ली अपने को। यानी इस लेसन में हम ये तीन चीजें पढ़ लेते हैं तो हमारा लेसन कंप्लीट। पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसमें क्या क्या हमें एक्वायर करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। हमें जनसंख्या का वितरण पढ़ना पड़ेगा, हमें उसका घनत्व और उसकी वृद्धि, ये चीजें पढ़नी है। तो हो सकता है कि आज हम वितरण तक ही पहुंच पाए इस पार्ट में, अगला पार्ट घनत्व और वृद्धि का अलग बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ जनरली क्या होता है कि ज्यादातर लोग जनसंख्या वितरण और घनत्व को एक ही चीज मान लेते हैं। एक चीज नहीं है, ये अलग अलग है। जनसंख्या का वितरण और घनत्व दोनों अलग चीज है। क्या है हम बताएंगे इसमें, लेकिन ये जनसंख्या का वितरण और घनत्व दोनों क्या काम में आते हैं, इसका पता क्यों लगाया जाता है, सरकार ऐसे इतने डाटा कलेक्ट क्यों करती है, इसका इसकी वजह क्या है। इसकी बड़ी वजह ये है कि एक डेवलपमेंट करने के लिए, एक प्लानिंग बनाने के लिए, किसी भी स्टेट की, किसी भी एरिया की प्लानिंग, उस पर कितना बजट खर्च करना है, वहां कितने एरियाज में कितने लोग रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या है, और वहां पर कुछ क्या चीजें कितने मात्रा में प्रोवाइड करवाई जाए, ये चीजें हमें तभी पता चलती हैं जब हमें उसके वितरण और घनत्व का पता चले तब। अदरवाइज ऐसा है कि अपने जैसे इंडिया की अगर बात करें तो उधर जैसलमेर का जो डेंसिटी है वो 17 पीपल है, 17 है, और जयपुर की ज्यादा है, दोनों को बराबर मात्रा में थोड़ी दे देंगे। तो ये चीजें जनसंख्या वितरण और घनत्व क्षेत्र की जनाकी की ये विशेषताओं का आधार है। अब आप ये कहोगे कि ये बात तो समझ में आएगी, ये दोनों इसका बेस है, आधार है, लेकिन ये क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, ये समझ में नहीं आया। जनांकी की क्या है, ये वो विषय है, चीजें हैं जिसमें जनसंख्या कितनी है, उसकी वृद्धि दर क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, उसकी हेल्थ का स्टैंडर्ड कैसा है, इन ये जो सारी विशेषताएं होती हैं उनका आधार ये चीज होती है। यानी अगर ऐसा ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि जनांकी की विशेषताओं से आप क्या समझते हैं, तो जनांकी की विशेषताओं से हम समझते हैं जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या की वृद्धि कितनी है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, उनकी साक्षरता क्या है, उनकी हेल्थ का स्तर कैसा है, उन चीजों को ही जनांकी की विशेषताएं कहते हैं, और उनका बेस है ये। एक चीज आपके समझ में आ गई होगी कि जनांकी ये क्या है और उसका आधार क्या है, ये चीज है, ठीक है। तो ये अगर आधार है तो ये हमें पढ़नी पड़ेगी। उससे पहले सारे भूगोल वेता भूगोल के अंदर, भूगोल का मतलब ज्योग्राफी, पृथ्वी का अध्ययन, तो उसके अंदर मानव को सेंटर मान के पूरा अध्ययन किया गया है। तो मानव एक संसाधन के रूप में है, मानव का केंद्रीय स्थान है। ये चीज थोड़ी सी मेरे को अटपटी ऐसे लग रही है कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सीबीएसई में एक बार पूछा था, सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा था कि एक्सप्लेन द ह्यूमन बीइंग इज ए इटसेल्फ अ रिसोर्स, मानव एक संसाधन है, व्याख्या कीजिए। अब मानव संसाधन कैसे हो सकता है, संसाधन तो ये चीजें होती है, देखिए जैसे भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, जंतु, और ये कृषि, पशुपालन, जो पहाड़, पेड़ पौधे, जो एनर्जी होती है, ये होते हैं संसाधन। मानव संसाधन कैसे, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव एक संसाधन के रूप में, अपने बुक के लेसन में है, मानव को एक संसाधन के रूप में हम पढ़ रहे हैं,
लेकिन मानव एक संसाधन कैसे हुआ? मानव तो उनको उपयोग करने वाला है। संसाधन तो मिट्टी है, संसाधन तो पहाड़ है, संसाधन तो खनिज है, संसाधन तो अनाज है, संसाधन तो और जो चीजें हैं, एनर्जी है, बायोगैस है, जो भी चीज हम अक्वायर करते हैं पृथ्वी से वो है। मानव संसाधन कैसे हो गया? एक्सप्लेन करने के लिए प्रश्न आया था, आ सकता है आपके भी। तो अपन इसमें क्या करते हैं कि जितने भी भूगोल वेता है उन्होंने भूगोल को, ज्योग्राफी को इसके बिना, इसके अध्ययन के बिना अधूरा माना है कि इसके अध्ययन के बिना कोई अध्ययन। मानव का अध्ययन केंद्रीय बिंदु सारे भूगोल वेताओं ने माना है। भूगोल वेता ने कहा अगर हमें भूगोल का पूर्ण अध्ययन करना है तो मानव को केंद्र बिंदु मान के करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के जितने भी संशोधन है उनमें क्या होता है कि मनुष्य ही है जो उनका उपयोग करता है, मानव ही है जो उससे प्रभावित होता है और मानव ही है जो उसमें परिवर्तन करता है। और आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि एक मनुष्य खेती करता है, एक मनुष्य सेना में है, एक मनुष्य ऑफिस में काम करता है, एक मनुष्य खनिज में काम करता है, ठीक है ना? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप कि उपयोग करता है किसका? भूमि का, जल का, मिट्टी का, खनिज का, वनस्पति का, जंतुओं का। कौन करता है? मनुष्य। इसको प्रभावित कौन होता है? उत्पादन कर लेता है वहां से, कृषि करता है, पशुपालन करता है, निर्माण उद्योग, व्यापार और परिवहन का काम मनुष्य करता है। और परिवर्तन किसने करता है? सामाजिक संगठन में, राजनीतिक प्रबंधन में, सांस्कृतिक विकास के द्वारा समाज को परिवर्तित करता है, ये काम करता है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए, एक मनुष्य खनिज में, खनिज का काम करता है, एक मनुष्य सेवा का काम करता है, व्यापार का काम करता है, एक सेना में है, एक आदमी खेती करता है, एक पशुपालन करता है, एक इंजीनियर है। समझना इस बात को, आप इस बात को थोड़ा गौर से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे मानव संसाधन कैसे। अब जो आदमी, आप हमें सब्जी की आवश्यकता है, हमें गेहूं की आवश्यकता है, हमें कपड़ों की आवश्यकता है, तो कपड़े संसाधन के रूप में कहां से मिलेंगे? कोई खेती व्यापार से मिलेगा या खनिज से मिलेंगे, लेकिन उनको तैयार करने वाला मनुष्य है, कहीं ना कहीं एक वो खान में काम कर रहा है मजदूर, तो वो संसाधन जमीन से लिया, लेकिन उसको तैयार कौन कर रहा है? मनुष्य। इस मनुष्य के लिए वो मनुष्य, तो वो मनुष्य इस मनुष्य के लिए संसाधन हो गया। एक मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य संसाधन नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ये मनुष्य इसके लिए कपड़े ये तैयार कर रहा है, ये मनुष्य इसके लिए दवाइयां ये तैयार कर रहा है, तो इसके लिए दवाइयां तैयार करने वाला संसाधन है, इसके लिए कपड़े तैयार करने वाला संसाधन है, इसके लिए खेती करके अनाज पैदा करने वाला मनुष्य वो संसाधन है। इसलिए एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य संसाधन है। तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि वास्तव में मनुष्य एक संसाधन है, क्योंकि हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए उपयोगी काम करता है, जो उसके उपयोग आता है, जिससे वो प्रभावित होता है और जिसमें वो परिवर्तन ला सकता है। ये बात। दूसरी बात है जनसंख्या की दो चीजें, तो वितरण और घनत्व। बड़ा डीपली स्टडी करें इसकी। तो वितरण क्या चीज है? वितरण है, लोग इन दोनों को सिमिलर समझ बैठते हैं, सिमिलर नहीं है। वितरण है धरातल पर मनुष्य का फैलाव, एक्सपेंड ऑफ पीपल ऑन द लैंड, ठीक है? धरातल पर मनुष्य का जो फैलाव है उसको वितरण कहते हैं, या जो स्थानिक वितरण है, जगह जगह कितने, कहां पर कितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं। ये जैसे चाइना में इतने लोग रहते हैं, इंडिया में इतने लोग रहते हैं, ये वितरण हो गया। और घनत्व क्या है? जनसंख्या का आकार और क्षेत्र दोनों का अनुपात। ये जनसंख्या का आकार और क्षेत्र का अनुपात, इसको कहते हैं घनत्व। इसका अनुपात निकाला जाता है, दोनों चीज हुआ, आकार का और क्षेत्र का, दोनों का जो अनुपात निकालेंगे उसको घनत्व कहते हैं। जनसंख्या जमाव की, ये तो है जनसंख्या का जमाव, ये तो जनसंख्या का जमाव है, और यह है जनसंख्या के जमाव की मात्रा का मापन, एक रेशो, ये घनत्व कहते हैं। इसके पार्टिकुलर सूत्र लगाए जाते हैं अलग अलग जगह में, क्या है हम आगे पढ़ेंगे जब घनत्व को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या के वितरण की बात।
जनसंख्या का वितरण है वो बहुत ही असमान है। ये हमारी स्टडी का मेजर पार्ट है। जनसंख्या का वितरण क्या है? बिल्कुल असमान है पूरे विश्व में। अलग अलग तरह से 80% जनसंख्या मात्र 20% भूभाग पर रहती है। 80% जनसंख्या है वो विश्व की 20% भूभाग पर रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बचा हुआ 80% भूभाग है ना उसमें 20% रहती है और जो शेष ये कहां रहते हैं ये 20% पर ही रहते हैं कंजस्टर। ये असमान वितरण हो गया। जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो वाशिंगटन 2001 और संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 2013 दोनों में वर्ल्ड की जनसंख्या बताई गई है। ये उन लोगों ने मिलियन में बताई है, मैंने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया है। ये 613 पॉइंट कुछ थी और ये 713 पॉइंट कुछ थी। आपकी याद रहे आसानी से, इसलिए अगर ये पॉपुलेशन अपने एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो वाशिंगटन की रिपोर्ट 2001 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, या सीधे पूछ लेगी एक में तुलनात्मक दृष्टि से कितनी थी, तो आप बताओगे 614 करोड़। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है 714। तो आसान कितना है 614 714 614 714 हो गया ना, कि यानी अब 2013 में कितने हैं 714। तो ये मतलब हो गया कि 100 करोड़ बढ़ गई। 100 करोड़ कितने में बढ़ गई, 12 साल में 100 करोड़ बढ़ गई 614 और 700। मेरे हिसाब से डिजिट आपकी याद रह जाएगी, इसलिए मैंने इसको इस तक किया है। अब देखिए यहां ये अपने महाद्वीप है, इनकी पॉपुलेशन देखो, एशिया में 60% रहते हैं, अफ्रीका में 15% रहते हैं, यूरोप में 10% रहते हैं, उत्तरी अमेरिका में 8, दक्षिण अमेरिका में 6 और ओशनिया में 0.5%। असमान वितरण है ये, असमान जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। इससे भी असमान की अगर अपन बात करें तो आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा इधर से इधर बता देता हूं आपको। यहां उससे पहले अगर आप चाहो तो थोड़ा सा एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मैं यहां बता रहा हूं इसको। ये अपना पृथ्वी है जिसको आप ग्लोब कह सकते हो, ये 0° है जिसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। दोनों में बराबर भूमि है, बराबर भूमि है ना। इस इलाके में रहते हैं 85% लोग और इस इलाके में रहते हैं 15% लोग। राजस्थान बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में 5 बार यह प्रश्न आ चुका है कि उत्तरी गोलार्ध में विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है 85%, दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत रहती है 15% जनसंख्या रहती है। तो असमान वितरण की दृष्टि से भूमि बराबर है, इधर 85 और इधर जस्ट 15, ओके। अब रही बात, अब आप एक चीज थोड़ी सी और देखें, जैसे एक जिसको आप कर्क रेखा कहते हो और एक जिसको आप मकर रेखा कहते हो, दोनों 23.5 डिग्री पे है। ये मकर रेखा है, कर्क रेखा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि 20 डिग्री यहां है, ये 23.5 है, तो 20 डिग्री यहां है और 60 डिग्री यहां है। 60 डिग्री करना था इसको, विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य रहती है। आपको यह प्रश्न याद रखना है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है,
80% जनसंख्या रहती है। तो हो गया ना असमान वितरण, इसका वितरण। अब इसका यह भी है कि इससे एक कंक्लूजन हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कुछ छोटी भूमि पर और विरल जनसंख्या आबाद है, छोटी भूमि है, आप ऐसे मान सकते हैं इसको, कि इलाका छोटा है और यहां पर जनसंख्या सघन है, सघन आबाद है, इलाका बड़ा है और विरल जनसंख्या है, यानी यहां पर कम है यहां पर ज्यादा। एक बार अब बात करें देशों की कि कौन से देश में कितनी जनसंख्या, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो इसकी भी अपन यहां एक मैं आपको बताता हूं कि मोटे तौर पर ज्यादा डाटा नहीं बता के, सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन की, क्योंकि अपने सिलेबस में बुक में है ये चीज, इसलिए आपको ये डाटा ध्यान में रखने पड़े। सबसे ज्यादा चीन, देन भारत, देन यूएसए, तीन तो आपको सबसे पहले याद रखनी है, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, ये ठीक है, उसके बाद रूस, बांग्लादेश और जापान, मैं इनको यहां लिख रहा हूं। उसके बाद है रूस, बांग्लादेश, जापान और फिर नाइजीरिया, ये है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने डाटा हमें याद नहीं रहेंगे और हम इतने डाटा क्यों याद करेंगे, कंपटीशन की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अपने बुक के लेसन में नाम दिए हुए हैं, इसमें से ये प्रश्न तो पूछा था पिछली बार, यानी 2018 में पूछा, 19 में पूछा था, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो 2 नंबर की पूछ सकता है, 3 नंबर की पूछ सकता है। अब इसके सारे डाटा आपको मैं करोड़ में बता दूं, लगभग बताऊंगा, लगभग 135 करोड़, 125 करोड़ और 32 करोड़ या 31 करोड़ मान लो, इसकी पहले तीसरी थी 31 करोड़ ये है, इसकी 24 करोड़, इसकी 19 करोड़ ये, और इन दोनों की लगभग है बराबर है 15 करोड़, ठीक है, और उनकी भी होगी। तो आप इनको देखें कि ये इनकी जनसंख्या है। अब आपको ये डाटा एग्जैक्ट याद नहीं रखने, पर ये क्रम आपको याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसके, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, क्रम आपको कैसे याद रहेगा वो थोड़ा मैं यहां आपको बता रहा हूं, यहां बता देता हूं। ये क्रम आप ऐसे याद करो कि CIA इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, और एक IB है भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो, दो है ना, तो CIA भी है और IBA, दो हो गए ना। तो CIA में तो आप करोगे चीन, इंडिया और अमेरिका, तीन हो गए ना, क्रम हो जाएगा CIA, IB, इंडोनेशिया और ब्राजील, CIA, IB, ब्राजील होगी। अब बात रही रूस और बांग्लादेश की, लगभग बराबर है दोनों की, बस ध्यान में रह जाएगा आपके, रूस बहुत बड़ा देश है, बांग्लादेश बहुत छोटा देश है, लेकिन जनसंख्या दोनों की बराबर है। रूस के पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, बांग्लादेश के पास छोटा सा क्षेत्र है, फिर भी दोनों की जनसंख्या बराबर है। इस कोरिलेशन से याद रखना आप कि रूस कितना बड़ा देश है फिर भी उसकी जनसंख्या बांग्लादेश के जितनी है, बांग्लादेश कितना छोटा सा देश है फिर भी उसकी जनसंख्या रूस के बराबर है। उसके बाद जापान और नाइजीरिया आता है। तो ये चीज आप इस हिसाब से रखना, CIA, IB, ये। अब हम मैं आपको मैप के द्वारा ये बताऊंगा कि इन जनसंख्या का जो वितरण है वो किस इलाके में, क्योंकि मैप का प्रश्न भी पूछा जाता है अक्सर, मैप में बताऊंगा। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके कि जनसंख्या का वितरण है वो मैप में दर्शाइए, या जनसंख्या का जो वितरण है वो कहां कहां किस तरह से है, सघन जनसंख्या कहां है, विरल जनसंख्या कहां है, न्यून कहां है और अति न्यून कहां है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसको इस तरह समझते हैं कि ये विश्व का मैप है,
पूरी पॉपुलेशन जो हमने पढ़ी थी कि उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, इसमें उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में 15%, इस इलाके में 15% जनसंख्या रहती है, उस उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या रहती है। अब इसका जो विवरण है वो सघन जनसंख्या प्रदेश कौन से पांच हैं, इंपॉर्टेंट है, मैप में भी आ सकते हैं और आपको इनका नाम लिखना भी आ सकता है, दोनों तरह के प्रश्न क्लियर करने हैं आपको। अगर पूछा जाए कि सघन जनसंख्या प्रदेशों के नाम बताइए, उन पांच कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे पूर्वी एशिया में तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग है, और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये सारा इलाका आ जाता है। वैसे भी आपको इन चीजों को, इन देशों को याद ऐसा करना चाहिए कि जैसे दक्षेस एक सम्मेलन है सार जिसको बोलते हैं, उसमें दक्षिण एशियाई देश आते हैं, तो ये देश हो गए उसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तरी पूर्वी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन और इटली आते हैं, और पूर्वी व उत्तरी अमेरिका में दो हिस्से किए मैंने, उत्तरी पूर्वी अमेरिका में और दक्षिण पूर्वी कनाडा में, ये इलाका। अब इसको मैप पे दर्शाना है, पर इसको मैप पे दर्शाएंगे और आपकी आसानी से याद भी हो जाएंगे। कैसे होंगे, सबसे पहले देखिए पूर्वी एशिया, यानी आप इसको देखते हो कि एशिया का इलाका है ये, यहां से पूर्वी एशिया, ये उत्तरी एशिया, ये दक्षिण एशिया और ये पूर्वी एशिया, ठीक है। पूर्वी एशिया के अंदर क्या क्या आते हैं, पूर्वी एशिया में आता है चीन, आता है अपना ये, यहां से अपन ऐसे कर लें कि इससे कहूं कि मैं दूसरे से इससे कर देता हूं, अगर दिखाई देता है तो, वरना चेंज कर दूंगा। जैसे पूर्वी एशिया के अंदर ये इलाका आ गया चीन, ये पूर्वी एशिया, इसके अलावा चीन आ गया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग, ये दक्षिण कोरिया आ गया, ये जापान आ गया, दक्षिण कोरिया, हांगकांग आ गया, ये आ गया अपना, इसको ऐसे मान लीजिए पूर्वी एशिया आ गया। अब दक्षिण एशिया बहुत सरल है, अपना पाकिस्तान, अपना भारत, अपना बांग्लादेश, एक ही तो देश था पहले, तीन सीधे हो गए एकदम, कौन कौन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, यही तो है, कौन कौन है। इधर से आप ये करो, ये अपना भारत, ये श्रीलंका और ये अपना बांग्लादेश, यहां आ जाएगा और ये अपना नेपाल आ जाएगा, तो ये कौन सा है, आप ध्यान रखें ये दक्षिण एशिया है और दक्षिण एशिया के अंदर ये देश भी आ जाते हैं, इंडोनेशिया वगैरह, ये देश, ठीक है, ये दक्षिण एशिया है, ये पूर्वी एशिया है, पूर्व की तरफ पूर्वी एशिया, दक्षिण की तरफ दक्षिण एशिया, और तीसरी चीज मैंने लिखी है दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी और पूर्वी एशिया ये देश है। देशों के नाम भी ध्यान में रखना है, सघन जनसंख्या प्रदेश है, बहुत ज्यादा जनसंख्या, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या का जमावड़ा यहां पर है, यही देश है पाकिस्तान, भारत, चीन, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, अभी अपने वो बताए थे ना टॉप जो 10 कंट्रीज थे उनमें यहां सबसे ज्यादा हो जाते हैं, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, ये इस इलाके को सारे लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया, सबसे ज्यादा विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है सघन जनसंख्या में, इसको आप समझिए, तो पानी का साइन है, आप इसको कुछ मत समझ देना, ठीक है, ये चीज होगी। अब अगली बात, पहली बात आ गई हांगकांग सहित, दूसरी दक्षिण पूर्वी एशिया आ गई, तीसरी दक्षिण पूर्वी एशिया में होगी, थी चौथी है उत्तरी पूर्वी आसाम, देखो कितना है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, पांच प्रदेश है, पांच, नंबर एक पूर्वी एशिया, नंबर दो दक्षिण एशिया, नंबर तीन दोनों को मिला के, तो तीन तो हो गए, दो ही और बचे, एक यूरोप का है, एक उत्तरी अमेरिका का,
बस। तो यूरोप की कहानी क्या है कि उत्तरी पूर्वी यूरोप, ये जो यूरोप है इसमें आपको एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि ये जो है अटलांटिक महासागर, तो यूरोप का इस साइड का एरिया, अमेरिका का इस साइड का एरिया, याद रखना, याद रहेगा, रह जाएगा। जनसंख्या का ज्यादा जमावड़ा, तीन जमावड़े तो यही हो गए, चौथा कहा है यूरोप का अमेरिका की तरफ, अमेरिका का यूरोप की तरफ, अमेरिका और कनाडा का तो यूरोप की तरफ, या ऐसे करो। चलो ये अपना अटलांटिक महासागर है ना, ये इस तरह से करो, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, यूरोप का अटलांटिक महासागर की तरफ, कनाडा और अमेरिका का अटलांटिक महासागर की तरफ जनसंख्या का जमावड़ा है। तीन यहां हो गए, चौथा इधर, पांचवा इन दोनों का इधर, पांच ही सदर प्रदेश है। मैप में दर्शाने के लिए इससे आसान कोई ट्रिक नहीं हो सकती कि तीन यहां हो गए, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तीन। अब यूरोप का किसकी तरफ, अटलांटिक महासागर की तरफ और थोड़ा ऊपर, और कनाडा और उत्तरी अमेरिका का भी अटलांटिक महासागर की तरफ, तो इसको कैसे करेंगे। उत्तरी पूर्वी यूरोप में क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन आता है, ग्रेट ब्रिटेन ये रहा, ग्रेट ब्रिटेन ये रहा, इसके बगल में आयरलैंड है वो आ जाएगा, और नीदरलैंड जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, इसके पास जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस। तो जो ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसकी जगह होनी चाहिए थी बीच में से, ये अफ्रीका, अफ्रीका से ऊपर वो देश है स्पेन, ये बिच्छू वाला इटली, उसके ऊपर जर्मनी, और ये बीच में सुंदर सा देश है फ्रांस। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये हॉलैंड, बेल्जियम, ये कौन सा इलाका हो गया, ये इलाका हो गया अटलांटिक महासागर की तरफ जो भी उत्तरी पूर्वी यूरोप, यानी ये उत्तरी पूर्वी यूरोप का जो इलाका है, ये चौथा जमावड़ा जनसंख्या का, जहां सघन जनसंख्या रहती है। अब पांचवे में बात करें तो अमेरिका तो ये है और कनाडा ये, इसको आप ऐसे बॉर्डर कर देते होगा, सीधी रेखा, ठीक है, यहां न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है, उससे ऊपर कनाडा का, थोड़ा सा तो कनाडा का इलाका अपने को इससे नहीं लेना है, इससे लेना है। ये अमेरिका है, यूएसए, उत्तरी अमेरिका जिसको आप कहते हो वो है, और थोड़ा इसमें ऊपर कनाडा का इलाका भी आ जाता है, वो भी कनाडा भी उत्तरी अमेरिका में आता है, एक कंट्री है उसकी, यहां सघन जनसंख्या है। ये लो जी, सघन जनसंख्या में एक, दो और तीन, क्योंकि दक्षिण ये पूर्वी ये, और ये इलाका तीसरा हो गया ना दक्षिण पूर्वी, समझे नहीं हो तो मैं आपको इस तरह से बताऊं कि पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, और तीसरी दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये नंबर तीन होगी, होगी चौथी होगी ये यूरोप की, यूरोप का कौन सा यूरोप है, उत्तरी, ये देखो उत्तरी पूर्वी यूरोप, और ये है पूर्वी व उत्तरी अमेरिका, थोड़ा कनाडा का हिस्सा और थोड़ा अमेरिका का हिस्सा न्यूयॉर्क की तरफ, क्योंकि न्यूयॉर्क में 1779 में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, यहां बहुत सारे लोग आके बस गए थे। तो ये चीज तो है सघन जनसंख्या। अब है सामान्य जनसंख्या प्रदेश, सामान्य जनसंख्या प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जहां पर स्थितियां थोड़ी प्रतिकूल होती है, लेकिन मनुष्य समायोजन कर लेता है वहां पर कुछ कारणों से। देखो यहां पर विरल जनसंख्या होती है ना, वहां विकट परिस्थितियां होती है, वहां बहुत कम समायोजन होता है, इसलिए वहां जनसंख्या का जमावड़ा बहुत कम होता है। यहां भी सामान्य जनसंख्या इसलिए होती है कि यहां जन होती तो है विकट, विकट होती है लेकिन समायोजन कर लेता है,
प्रतिकूल परिस्थितियों का भी समायोजन मनुष्य कर लेता है। उसके कारण क्या होते हैं कि या तो वहां कोई बहुत ज्यादा खनन हो रहा है, या कोई वहां बहुत बड़ा उद्योग लगा हुआ है, या कुछ और ऐसा संसाधन है जिसकी वजह से लोग वहां आ रहे हैं उसको। जैसे अपन मान लीजिए कि जैसलमेर में जनसंख्या कम है, बाड़मेर में जनसंख्या कम है, लेकिन जब से वहां रिफाइनरी लगी है और वो ऑयल निकलना शुरू हुआ है, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम, उसके बाद में धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा है, जमावड़ा बढ़ रहा है। इसका मतलब परिस्थितियां प्रतिकूल थी लेकिन कुछ वजह से समायोजन हो लिया। इसका एग्जाम्पल है एंडीज पर्वत वाली भी परिस्थितियां बड़ी विपरीत है, लेकिन वहां तांबे की बहुत बड़ी खान है चिल्ली में। चिल्ली का इलाका ये एंडीज पर्वतमाला है, ये एंडीज इलाका है, एंडीज पर्वत श्रृंखला चिल्ली में, और तांबे की खान है, विकट परिस्थितियां है, प्रतिकूल वातावरण है, फिर भी उस तांबे को निकालने के लिए खान की वजह से धीरे धीरे जमावड़ा बढ़ रहा है। और सामान्य जनसंख्या प्रदेश है, उतने ही लोग हैं जिनको इस बिजनेस से जुड़े हुए। तीसरी बात है कनाडा में एक यूरेनियम शहर बोला जाता है, वहां यूरेनियम बहुत निकलता है, वहां भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन यूरेनियम की वजह से खान में लोग धीरे 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 आसपास हॉस्पिटल ये वो जो चीजें लोग जाएंगे, जो स्कूल विद्यालय सड़क सब बनेंगे, रेल परिवहन, तो ये भी वहां सामान्य जन प्रदेश हो रहा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ये इलाका है जहां स्वर्ण खनन होता है, यहां इस इलाके में यहां स्वर्ण का खनन ज्यादा होता है, तो इसमें भी काफी मात्रा बिल्कुल विरल है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में आधे प्रतिशत ही जनसंख्या रहती है, लेकिन यहां जनसंख्या का जमावड़ा इसलिए बढ़ा हुआ है कि स्वर्ण का खनन होता है। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि सामान्य जनसमूह कहां है और उसकी वजह क्या है, कारण क्या है। आप बताओगे ये विकट परिस्थितियों में समायोजन कर लेता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में उनसे समायोजन करके वहां रहता है, रहने के हालात ज्यादा अच्छे नहीं होते। लेकिन जैसे एंडीज पर्वत में चिल्ली का कांगड़ा और चुकाय इस स्थान है, कनाडा का यूरेनियम शहर, ऑस्ट्रेलिया का ये स्वर्ण खनन होता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब है विरल, विरल प्रदेश वो है जहां 70% तो भूभाग और जनसंख्या मात्र 5% रहती है। विरल प्रदेश वो कौन कौन से है, वो यही है जो इनके आसपास है, इधर इसके इधर इसके इधर, और यूरोप एशिया में बचे हुए इलाके में, इसमें अफ्रीका के इलाके में, इस उत्तरी अमेरिका के इस इलाके के अंदर ये है। और एक है अगला है अति न्यून, अति न्यून वो इलाका होता है जो रहने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं होता है, वहां कोई रहता ही नहीं है, दोनों ध्रुवों पर बिल्कुल नॉर्थ पोलर है एरिया है, वहां पर दोनों ध्रुवों पर नहीं रहते, इक्वेटर के आसपास नहीं रहते, तो इस तरह का जो इलाका, ग्रीनलैंड में कोई नहीं रहता, इधर नहीं रहता, अलास्का में कोई रहता, तो ये इस तरह का जो इलाका है वो अति न्यून का इलाका है। ये अपना इसका पार्ट वन था। अब हम अगले पार्ट में इसी की बात करेंगे, घनत्व की और वृद्धि की और इसकी समस्याओं की। तब तक आप इसको आसानी से पढ़िए, उसके बाद में अगला जो पार्ट टू आएगा उसको एंजॉय करिए। उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छी तरह से समझ में आया तो लाइक कर दो,